वाराणसी के थाना सारनाथ की रहने वाली राधिका अपने बच्चों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। राधिका का कहना है कि हमें घर में परिवार वाले बंधक बनाकर डरा धमका रहे। राधिका के पति रोजी रोटी के तलाश में शहर के बाहर रहते। राधिका अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहती है और जीवन यापन के लिए मछली का व्यवसाय करती है। उन्होंने बताया कि मछली का व्यवसाय भी काफी दिनों से बंद हो गया है। सराय मोहना की रहने वाली राधिका का कहना है कि परिवार वालों के द्वारा उन्हें मारा पीटा गया है और थाना चौकी द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। सराय मोहना की रहने वाले हैं। कहां पर आई हैं? आज एसएसपी ऑफिस आए हैं। क्यों? इसलिए कि आज चौथा दिन है, कुछ उन लोग के पास कार्रवाई नहीं हुआ है। इन लोगों के पास क्या समस्या? समस्या ये है कि कुछ मेरे पास समस्या जमीन का लफड़ा था, तो हमने सरकार से अनुदान किया लड़ने के लिए केस, तो हमने लड़ा भी और उन लोग को लगता है कि हम अपने नाम, मेरे परिवार वालों को लगता है कि हम अपने नाम पे पूरी जमीन करवा लिए हैं। परिवार में कौन कौन? नाम दशरथ और मुन्नू, छोटू, देवारथी, सारे औरतें मिलकर हमको मारी हैं घर में का। और दशरथ दसमन लगते हैं, भसूर लगते हैं और दशरथ के लड़के भी मारे हैं। बोले क्या? तुम अपने नाम पे जमीन करवा लिए, तुम्हें जान से मरवा डालेंगे। तुम जाओ तो तुम्हें जान से मरवा, निकलो घर के बाहर, तुम्हें आज मारेंगे। चारों तरफ से घेर लिया गया है हमें। चार दिन है, बहुत मुश्किल से मैं आई हूँ एसएसपी ऑफिस। अपने घर में ही रह रहे हैं, चुरी छुपे से आ रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं तब हम अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। एसएसपी साहब मतलब फिर क्या बोले? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बोले हैं। थाने गई थी? थाने गए थे, एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ है, खाली चौकी इंचार्ज गए थे, कुछ अभी फिलहाल बोले नहीं है, बोले बस वो अपनी इंक्वायरी करके बस चले आए हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।